इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैट्राइसिस की एलिमेंट्री मेथड, जिसमें हम ए इनवर्स निकालेंगे 2x2 मैट्रिक्स का। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पे एलिमेंट्री मेथड। तो 2x2 के मैट्रिक्स में हमें एलिमेंट्री मेथड के थ्रू ए इनवर्स निकालना है। तो बहुत सिंपल होता है अगर आप एक एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। तो इसमें आपको बेसिक चीज़ ये बता दूँ, या तो आप इसमें अगर आपको रो ऑपरेशन लगाते हैं तो सिर्फ आपको रो रो ऑपरेशन लगाना है, अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं सिर्फ आप कॉलम कॉलम ऑपरेशन लगाना है। लेकिन मेरे हिसाब से आप रो ऑपरेशन बच्चों को ज़्यादा इजीली समझ में आते हैं, चलो रो ऑपरेशन बढ़िया है बढ़िया है, तो आप उसको मैं रो ऑपरेशन से ही बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले ये करना होगा कि ये जो ये ए है इसको आप ए कॉस्ट, को मैं इसको आई ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ए कॉस्ट आई ए लिख सकता हूँ, आई फॉर आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा 2537, आई की जगह लिख सकता हूँ 1001 और यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने का तरीका समझ लीजिए। सबसे आपको क्या करना है, इसको इसको ए जो लिखा है इसको आपको आइडेंटिटी एलिमेंट में कन्वर्ट करना होता है, 1001 में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसे नहीं, आप इसको एक एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। एल्गोरिथम फॉलो करने से पहले आप इसको ये इसको 1 बनाएंगे, फिर ये एलिमेंट को 0 बनाएंगे और फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे। ये एक एल्गोरिथम है, एक ट्रिक है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल सही जाएंगे। और आपके कितनी स्टेप में, 1 2 3 4 स्टेप में आपका ए इनवर्स आपके हाथ में। तो क्या करना है, सबसे पहले ये 1 बनाना है, फिर ये 0 बनाना है, फिर ये 1 बनाना है, फिर ये 0 बनाना है। और हम जो अब इसके लिए हम क्या रो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे देखिएगा मेरे को यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 2, 2 को मेरे को 1 बनाना है। तो सिंपल है, देखो मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मेरे इसको इसमें से माइनस करूंगा तो आराम से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 चेंज, किसको चेंज कर रहा हूँ मैं, R1 को, R1 चेंज R2 माइनस R1। तो ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस 2, देखो R2 माइनस R1, तो R3 माइनस 2 कितना बचेगा 1, 7 माइनस 5 कितना बचेगा 2, और ये चेंज ही हो तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे जो आपने यहाँ किया है अब वो आपको यहाँ भी करना है, जो आपने यहाँ करा है वही आपको यहाँ करना है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, तो माइनस का 1 बचेगा। देखो पहले आएगा 0 फिर माइनस फिर 1, अब उसी तरीके से यहाँ पे 1 माइनस 0 तो यहाँ पे 1 ही आएगा, और ये 0 और 1 ऐसा ही रहेगा, और ये ए हो गया। तो ये देखो हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया, हमें यहाँ पे क्या बनाना था, 1 बनाना था, 1 गया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या बनानी है, दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है, इस वाले एलिमेंट को 3 को 0 बनाना है। तो देखो भैया इसको 3 को 0 बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, आप क्या करेंगे, R2 को चेंज करना है, R2 चेंज। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना लिखा है 3, देखो किसी भी चीज़ को 0 बनाने के लिए अगर कोई दो एलिमेंट आपस में इक्वल है तो हम दोनों को आपस में माइनस कर सकते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा कि इन दोनों को इक्वल बनाना। तो देखो अगर मैं पहली रो में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R2 माइनस 3 R1, R2 में से माइनस करूँगा मैं, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा R1 में। जैसे देखिएगा ये तो आपका जो R2 चेंज होगा तो ये 1 और 2 ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा R2 कितना लिखा है 3 माइनस 2, R1 कितना लिखा है 1, तो 3 लिखना था, 3 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब दूसरा क्या एलिमेंट है, 7 है, तो 7 माइनस 3 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यही कहिए कि हमें कहाँ करने, कोई क्या चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये माइनस 1 और 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमें चेंज करना है। तो कैसे हो जाएगा, 0 लिखा है, 0 माइनस 3 × R1 की वैल्यू कितनी है माइनस 1, तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 तो यहाँ पे कितना जाएगा 3। अब उसी तरीके से यहाँ करेंगे तो R2 कितना है 1 है, -3 × 1 लिखा है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 तो -2, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका ये -2 आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे ए चल ही रहा है, ए को मत भूल जाइएगा, ए चल ही रहा है। तो देखो अब हमारी पहले स्टेप था 1 बनाना, फिर 0 बनाना, इसको 1 बनाना है, क्या बनाना है इसको 1। तो अब देखेंगे किस्मत से ये हमारा 1 बन चुका है, ये बहुत अच्छी बात है, पहले ही 1 बन गया। लेकिन ऐसा नहीं बनता तो हम 1 बनाते, लेकिन अब बन गया तो अच्छी बात है। अब हमारे अगला स्टेप, ये थर्ड स्टेप पूरा कंप्लीट ऑटोमेटिकली हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, ये 0 बनाना है, मेरे को 2 को क्या बनाना है 0। तो अभी हमने 0 बनाने का खेल सीखा था, क्या करेंगे R1 को चेंज करेंगे, कैसे, यहाँ पे 1 लिखा है
तो R1 माइनस 2R2 करूंगा मैं, क्या करूंगा R1 चेंज R1 माइनस 2R2, क्योंकि देखो 2 का मल्टीप्लाई करो 2 1 2 2 में 2 का क्या बचेगा 0। एक्चुअली ये एल्गोरिथम फॉलो करने में फायदा ये होता है कि जो हम चीज़ों को बना चुके हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन्हें, तो इसलिए बहुत इफेक्टिव होता है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या होगी, तो ये देखो ये तो आपका देखो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये 0 है, तो 1 ये कुछ भी करो तो 1 ही बचेगा। अब यहाँ पे आपको पता है ये 0 होने वाला है और ये 0 1 ऐसा ही रहेगा। अब मेन मुद्दा ये और ये आपका फाइनल आंसर भी होने वाला है, तो ध्यान से करना है। तो R1 कितना लिखा है माइनस 1 माइनस 2, R2 कितना लिखा है 3, तो ये 3, तो माइनस 1 माइनस 6, तो माइनस का 7 आ जाएगा माइनस 7। फिर दूसरी चीज़ R1 कितना लिखा है 1 माइनस 2, R2 कितना लिखा है माइनस 2, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 तो 5, ये कितना हो गया 5, तो 3 माइनस 2 और इनटू में क्या चल रहा है a, तो ये क्या बन गया आपका i बन गया, क्या बन गया ये i, इसको इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा a इनवर्स और ये हो जाएगा आपका माइनस 7 5 3 माइनस 2, तो i इनटू a इनवर्स क्या होगा आपका a इनवर्स ही होगा, तो ये आपका माइनस 7 3 5 और 2, दिस इज द a इनवर्स, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया a इनवर्स का। तो देखिएगा अगर आपने बकायदे एल्गोरिथम फॉलो करा है, अगर इसको किया इसका आपने 1 0 1 0 1 0 इस तरीके से बनाते हैं 1 0 1 0 अगर आप बनाते हैं और बस 4 स्टेप में आपका काम हो जाना है। एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में एक स्टेप ऑलरेडी हो ही गई तो अच्छी बात है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में मैट्राइसिस में ऑलरेडी 1 दिया होता है, जब ऑलरेडी 1 दिया हुआ है तो अच्छी बात हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह कि अगर रो ऑपरेशन यूज़ किया तो रो ही करें या कॉलम या किया तो कॉलम, ऐसा नहीं कि इसमें रो कर दिया यहाँ कॉलम कर दिया, इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है इक्वल टू आई ए मानेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू आई की जगह 1 0 0 1 और ए ऐसा ही रहेगा, बस अब यहाँ पे हमें 1 बनाना था तो 1 हमने इस तरीके से बनाया, फिर 0 फिर 1 और फिर 0, इसी तरीके से हमारा ए इनवर्स आ गया। तो होप यू गाइस आपको ये 2x2 का एलिमेंट्री मेथड पसंद आया होगा, तो इसलिए अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हाँ कमेंट करें, और अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ मैं आगे आपको ऐसे मैट्रिक्स 3x3 के और बाकी और भी वीडियोज़ में आपको देते रहूँगा, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो आएंगे ताकि आप उनको मिस नहीं कर पाओ। वीडियो को अंत तक देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।